टाइम आई हूँ आरजे मीनल एंड ऑफकोर्स फीवर 94.3 पर आप मुझे फीवर ब्रेकफास्ट शो पर हर रोज सुनते हो एंड ऑफकोर्स फीवर पुणे और मीनल वी पाटिल इस इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप मेरे बहुत सारे रील्स देखते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों के साथ मैं बातें करती हूँ। इसलिए आज मैं पहुँच चुकी हूँ आपके सारे IVF के डाउट्स को दूर करने के लिए एट फेम केयर फर्टिलिटी और मेरे साथ है डायरेक्टर ऑफ फेम केयर फर्टिलिटी डॉक्टर पल्लवी टिपले। डॉक्टर वेलकम टू द शो, कैसे हो आप? मैं एकदम मस्त। कितने बेबीज हुए आज आपके? हाँ, आज सुबह मैंने 2 डिलीवरी किए हैं। हाँ। और 2-3 बेबी को ट्रांसफर किया, एमबीए को ट्रांसफर किया। सो टेक्निकली 2 बच्चे हुए, बट ऐसे देखा जाए तो 5 बच्चे मेरे हाथ से आए। पर ये बताइए जरा, यू नो आजकल बहुत सारे बॉलीवुड की वजह से तो ऑफकोर्स IVF अवेयरनेस बढ़ गई है, पर द मोस्ट कॉमन मिथ या मोस्ट कॉमन सिचुएशन ये होती है कि जब आप किसी को जुड़वा बच्चों के साथ देखते हैं आजकल, तो ऐसे लगता है कि ये तो IVF से ही हुए हैं। बिल्कुल। पर ये सच है क्या कि IVF से हमेशा जुड़वा बच्चे ही होते हैं? नहीं। ओके, सो बेसिकली ट्वीन्स बेबी कैसे भी रह सकते हैं, लोगों को नेचुरली भी रह सकते हैं। इवन कुछ लोगों में सिर्फ PCOD रहता है, तो हम डॉक्टर्स फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, यानी आपको सिर्फ ओवुलेशन कब है और रिलेशन रखो ये बताते हैं। तो उस टाइम पे भी यदि एक साइकिल में 2 फॉलिकल्स बन गए, 2 रप्चर हो गए और दोनों भी इम्प्लांट हो गए, तो भी ट्वीन्स रह सकते हैं। इवन IUI से भी हो सकते हैं। और पता है कभी कभार इवन नेचुरली एक ही फॉलिकल्स बना, नेचर एक ही बनाता है, वो रप्चर हो गया और बेबी का एम्ब्रियो फॉर्म हुआ और एम्ब्रियो खुद में डिवाइड हो गया, तो वो एक ही सैक के जो यू नो ट्वीन्स रहते हैं ना, जो सेम दिखते हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि किसी को ट्वीन्स हुए तो आप उनको जज करते बैठो उन्होंने IVF किया है। हाँ, और उन्होंने यदि IVF भी किया है तो भी अच्छा है ना, उनके घर में बच्चे है। और आजकल तो मुझे लगता है, सी आई एम 35 years old, आई हैव वन डॉटर। मुझे किसी ने पहले बोला होता कि एक ही साथ 2 बच्चे कर लो तो इजी जाता, आज ऐसे है कि एक बेबी है और मुझे सेकंड भी प्लान करना पड़ेगा। सो यदि किसी को ट्वीन्स भी हो रहे हैं तो डोंट जज देम, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। एंड आई थिंक आजकल तो बहुत सारे थैंकफुली अवेयरनेस, जैसे कि मैंने कहा IVF वीडियोज बन रहे हैं, हमारे सेलिब्रिटीज इतने IVF के लिए जा रहे हैं, सो एब्सोल्युटली नथिंग टू जज देयर फॉर श्योर। बट जैसे कि मैंने कहा बॉलीवुड की बात कर ही रहे, तो हम वो करीना वाली फिल्म की बात करें, गुड न्यूज वाली, जिसमें अदला बदली हुई थी। तो फेम केयर फर्टिलिटी में बताइए आप कैसे स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हो कि कभी ऐसा ना हो? पहले तो ऐसे कभी नहीं होता, दैट इज नॉट रियल स्टोरी। करेक्ट। पता है पेशेंट से ज्यादा हम केयरफुल होते हैं कि ये सब चीजें नहीं हो। पता है फेम केयर फर्टिलिटी में यदि कोई हस्बैंड या वाइफ अकेले आते हैं तो डॉक्टर पल्लवी टिपले उनको क्या बोलती है? क्या बोलती है? हस्बैंड या वाइफ अपने पार्टनर को लेके आओ। अच्छा। आपके फोटोज दो हमें, हम लोग रिसेप्शन में पहले उनके फोटोज लेते हैं कि यही हस्बैंड वाइफ है, रूम में भी एंट्री के साथ दोनों साथ में आएंगे। फर्स्ट स्टेप टू मेक श्योर। बिल्कुल। कि मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि वो जिनको लेके आने वाले वो क्या है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड इवेंट सीमेन एनालिसिस, ये एक नॉर्मल टेस्ट रहती है जिससे स्पर्म के बारे में पता चलता है। इवन हम लोग हमारे ही सेंटर में उनको करने को बोलते हैं। इवन जब हम IVF करते हैं, IUI करते हैं, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि 2 पेशेंट का यदि हम लोग IUI कर रहे हैं तो उनमें गैप रहे। अच्छा। ओके। इवन हमारे यहाँ पे विटनेस सिस्टम है, विटनेस सिस्टम में हमारा यू नो 4 लेवल में हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट इज माई रिसेप्शनिस्ट, यदि मान लो आज किसी का IUI IVF, तो हम लोग उस दिन हमारा स्टाफ उनके फोटो क्रॉस करेंगे कि यही हस्बैंड वाइफ है, वहां से ही है। कभी-कभार इवन पेशेंट भी तो किसी को लेके आ सकते हैं, नॉट नेसेसरी हमेशा गलतियां डॉक्टर से ही होती है, लोग भी तो इंटेंशनली कर सकते हैं और बाद में बोलेंगे मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट की थी तो इन्होंने ही कुछ किया होगा। तो आजकल सिर्फ पेशेंट सेफ नहीं रह रहे, हम डॉक्टर्स भी बहुत खुद के बारे में सोचते हैं, बिकॉज माई डिग्री इज मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम लोग कुछ गलत नहीं करते। सेकेंड विटनेस सिस्टम हमारा, यदि कोई प्रोसीजर रहता है तो वी हैव डेडिकेटेड काउंसलर जो साइन लेती है। इवन साइन हस्बैंड एंड वाइफ की साइन होते उस टाइम पे भी हमने जो फोटो ली है वो भी क्रॉस वेरीफाई होता है। ओके। यदि किसी का सीमेन सैंपल हमने लिया है उस टाइम पे भी डेडिकेटेड, यानी हमारे पास 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, यदि आज मैंने 2 या 3 प्रोसीजर किए हैं तो वो भी
डेडिकेटेड रहते हैं कि इसका सैंपल का कलेक्शन ये करेगा. Correct. इसका याद ये सब चीजें भी रहते हैं. Okay. और एम्ब्रियोलॉजिस्ट यदि हमने उस दिन हम इक्सी कर रहे हैं यानी हम लोग एम्ब्रियोज बना रहे हैं. Right. तो उस दिन माय सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट विल चेक एवरी फाइल एवरीथिंग एवरी पेपर एवरी कंसेंट एंड उसके बाद ही वो इक्सी बनाते हैं. दैट इज वन थिंग. अभी कभी कभार तो इनको लग सकता है कि मैम ठीक है आपने तो सब कुछ चेक कर लिया. हाँ. आपने एम्ब्रियो बनाने तक तो हमारे ही एम्ब्रियो बने. करेक्ट. ओके. बट गलती से गुड न्यूज मूवी में कुछ अलग दिखाया था इसीलिए मैंने ये उन्होंने दिखाया इक्सी करने के टाइम के इसका स्पर्म और उसका स्पर्म मिक्स हो गया. सो अभी समझा ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है. इवन पता है जब हम एक पिकअप की प्रोसीजर करते हैं तो माय यू नो मौशी से लेके हर कोई नाम को 10 बार वेरीफाई करता है. हमारे जो एनेस्थेटिस्ट रहते हैं वो भी क्रॉस करते हैं, हमारी सिस्टर भी क्रॉस करते हैं और हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी ऑन टेबल जिसको लिया है उनको उनको भी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके हस्बैंड का नाम क्या है. सो बेसिकली गुड न्यूज मूवीज जैसे तो होगा ही नहीं. बिल्कुल. कुछ लोगों को ये भी क्वेरी रहता है कि मैम आपके पास तो इतने सारे बच्चे फ्रीज है. हाँ. ओके. हो सकता है ना ट्रांसफर के दिन गलती से कुछ हो. बिल्कुल नहीं. हाँ. ऐसे कभी नहीं होता. ट्रांसफर के दिन भी हमारे हर हमारे ही नहीं हर सेंटर के प्रोटोकॉल रहता है कि हर किसी के डेडिकेटेड जो भी एम्ब्रियोज बने हैं वो पर्टिकुलरली एक स्पेस पे ही रहते हैं. अच्छा. ओके. उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल रहता है. Right. उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग रहता है. Right. और जिस दिन में हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए थॉ करते हैं तो यदि एम्ब्रियोलॉजिस्ट थॉ कर रहा है तो उसके साथ भी 2% रहता है जो साइन करते हैं कि प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो हुआ है या नहीं, उसमें कोई वेरिएशन है या. करेक्ट. करेक्ट. इवन ट्रांसफर के दिन मुझे पता है पेशेंट को कभी कभार एक बार मेरे पेशेंट ने पूछा था मैम आप मुझे नहीं पहचानते हो क्या, मुझे सब लोग कैसे इतने बार नाम पूछ रहे हैं. हाँ. फिर उसको मैंने बताया ऐसे नहीं है. Correct. कि मुझे नहीं पता, मेरी सिस्टर को नहीं पता. हाँ. तुम कौन हो. Correct. हमारा यदि आज ट्रांसफर है तो पूरे सेंटर को पता है तुम्हारा ट्रांसफर है. Correct. बट एवरीवन इज चेकिंग सो दैट कुछ भी मिस्टेक्स ना हो. बिल्कुल. एंड आई थिंक अगर मिस्टेक हुई भी तो सबसे ज्यादा रिस्क तो सेंटर डॉक्टर उनका है बिकॉज आपको तो इवेंचुअली बच्चा मिल ही जाएगा. बिल्कुल. है ना. और आप गलत है या सही है ये तो आपको शायद कभी पता भी ना चले. बट इट्स द बिगेस्ट रिस्क इज फॉर द सेंटर. दे विल नेवर मेक सच अ मिस्टेक एवर. एब्सोल्युटली. दूसरी अब ये फिल्म आई थी बैड न्यूज जिसमें तृप्ति डिमरी को 2 बच्चे हो रहे हैं और दोनों बच्चों के अलग अलग बाप है. ये भी हो सकता है. हाँ बहुत रेयर होता है पर हो सकता है. बट इस बार ना मुझे मैं थैंकफुल हूँ बॉलीवुड का कि ब्लेम हम पे नहीं डाला. इस बार उन्होंने ऐसे नहीं दिखाया कि यू नो IVF सेंटर में आए थे. हाँ. और इक्सी करने के टाइम पे कुछ हुआ. हाँ. ओके. वो अलग चीज है. बट यस ऐसे हो सकता है बट ये बहुत रेयर है. हाँ. मुझे हर साइकिल में एक फॉलिकल बनता है वो रप्चर होता है यानी हर साइकिल में फीमेल का एक एग रिलीज होगा. Right. अभी देख लो उसके ना एक साइकिल में 2 फॉलिकल बने, 2 रप्चर हुए, दोनों में भी एग्स था और सेम टाइम पे दोनों साथ रिलेशन आए. लॉजिकली पॉसिबल है बट ऐसे केस हार्डली आई थिंक हमने जब रिसर्च किया था मतलब दैट टाइमिंग हैज टू बी सो राइट. बिल्कुल. बिकॉज ओवुलेशन के टाइम पे ही आप रिलेशन रखते हो तभी वैसे होगा. ऐसे नहीं होगा कि एक मंथ में एक के साथ रिलेशन रखा और दूसरे मंथ में दूसरे के साथ तब 2 बच्चे. ऐसे नहीं. इवन टाइमिंग भी तो लॉजिकली पॉसिबल है बट नाउ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हाँ. और मेडिकल साइंस से तो ऐसे होता ही नहीं है. मेडिकल साइंस से उनको जो बच्चा होता है वो उनका ही रहता है, एक ही पर्सन का होता है. इवन हम भी सेमेन एनालिसिस के लिए साथ में दोनों को नहीं भेजेंगे. तो ओह गॉड. बट डॉक्टर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी योर टाइम. इट्स टाइम फॉर मी टू गो. बट एक बात मेरे ध्यान में आ गई. आपने एकदम शुरुआत में बोला था कि यू आर 35 ऑल्दो यू लुक लाइक यू आर 24 पर आपको ऑलरेडी एक यू हैव अ चाइल्ड. यस. एंड सपोज फॉर एग्जाम्पल नाउ यू आर सेइंग कि आपको यू वॉन्ट टू डू वन मोर. यस. आपको पहला बच्चा ऑर्गेनिकली नेचुरली हुआ. बिल्कुल. अब दूसरा बच्चा फॉर एग्जाम्पल इफ यू से यू वॉन्ट टू गो इन फॉर IUI और IVF तो मैं सोच रही थी कि ये IUI IVF वाला जो बच्चा होगा आपका और आपका जो नेचुरली हुआ बच्चा होगा उसमें कोई डिफरेंस होगा क्या. ओके.
अभी जैसे तुमने दो तीन बार बोला थैंक्स टू सेलिब्रिटीज, राइट, ओके, कि वो अभी उनकी जर्नी हमसे शेयर कर रहे हैं. बिकॉज लोगों को कैसे होता है कि सेलिब्रिटीज जो करते हैं हम सोचते हैं वो अच्छा है. इवन अंबानी, उन्होंने भी बताया कि उनके घर के भी बच्चे IVF है. इफ यू आस्क मी, ओके, यदि मैं 25 में यदि मेरी शादी होती, ओके, और मेरा फर्स्ट बेबी यदि 26-27 में आता, तो मैं सेकंड बच्चे के लिए मोर ऑफ नेचुरल में जाती, बिकॉज मैं 30 से कम हूँ. अभी वी आर दैट जनरेशन जो लेट शादियाँ कर रही है, लेट बच्चे कर रहे हैं, फर्स्ट बच्चा भी आ गया, एंड नाउ वी वांट सेकंड आल्सो, ओके. सो अभी यदि मेरे जैसे जो है कि जो अभी 35 में आ रहे हैं या 35 क्रॉस हो गए, सो उनके लिए यदि नेचुरली भी होते हैं परफेक्टली फाइन, ओके. बट माई एडवाइस कि यदि आपने पहले तो आपका यू नो इवैल्यूएशन करना चाहिए, आपका AMH चेक करना चाहिए, आपका सीमेन एनालिसिस चेक करना चाहिए, बिकॉज और आप लेट लेट करोगे तो आप 36-38 उधर चले जाओगे, राइट, ओके. ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आपने ट्राई किया और आपको नेचुरली होने वाला है. सेकंड थिंग, आपको रियलिस्टिक अप्रोच पता होना चाहिए कि यदि आपका एज ज़्यादा होता है तो आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम आने के चांसेस, ऑटिज्म आने के चांसेस नेचुरली ज़्यादा होते हैं, ओके, बिकॉज एज के साथ एग्स में म्यूटेशन होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, इवन स्पर्म में भी एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस होते हैं, ओके. सो रियलिस्टिक वे में आपने सोचना चाहिए. यदि आप नेचुरली भी ये एज में ट्राई करते हो तो भी आपको अबॉर्शन के चांसेस मोर रह सकते हैं, ओके. सो यदि डॉक्टर विल ट्राई नेचुरली, हमने फर्टिलिटी चेक कर लिए और हम लोग नेचुरली ट्राई करते, व्हाट एवर द रिजल्ट, वी आर फाइन विद दैट, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. और डॉक्टर, आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, आई नो कि मैंने बहुत गूगल पे रिसर्च किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का वीडियोज देखे हैं और मुझे पता है कि प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो कैन आई गो विथ हायर ट्रीटमेंट कि मैं अच्छे ही एग्स लूँ, अच्छे ही स्पर्म लूँ, मैं AA ग्रेड का एम्ब्रियो बनाऊँ, और मैं वो एम्ब्रियो की भी जेनेटिक टेस्टिंग करके चेक करूं कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है. दैट्स पॉसिबल. यस, दैट्स पॉसिबल. हाँ, बट मैं सबको बताती हूँ, एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग में सिर्फ ये पता चलता है कि उसमें एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये नहीं पता चलता कि वो गर्ल है या बॉय है. इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है, ओके. सो यदि किसी ने PGTA जेनेटिक टेस्टिंग की और पता चला कि दिस इज वेरी साउंड एम्ब्रियो और वो ट्रांसफर करे, ओके, सो आई विल प्रेफर सेकेंड ऑप्शन रादर देन फर्स्ट, बिकॉज आई नो IVF इज नॉट एबनॉर्मल, आई नो IVF में पेन नहीं होता, आई नो कि इवन नेचर आपको एबनॉर्मल बेबी दे सकता है, उसकी भी ट्रीटमेंट IVF ही होती है, और IVF कंसेप्शन एंड नेचुरल कंसेप्शन इज नॉट डिफरेंट, राइट. दोनों की भी जर्नी 9 मंथ की होती है, दोनों में भी सेम ही बेबी की ग्रोथ होती है. यू आर दिस बेबी एंड दिस बेबी बोथ आर इक्वली सेम, एंड जैसे फर्स्ट टाइम अभी मैं तो तब भी यंग थी, ओके, तो उस टाइम पे भी मेरा सी सेक्शन हुआ, बिकॉज आई चूज दैट, करेक्ट, ओके, आई चूज इलेक्टिवली, बिकॉज आई नो नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन बोथ आर इक्वल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होते, लेट कॉम्प्लिकेशन नहीं होते. यदि किसी का फर्स्ट सी सेक्शन है तो इसमें भी सी सेक्शन भी हो सकता है, यदि किसी का पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो ये अभी IVF हुआ तो मेरा सी सेक्शन होगा क्या, ऐसे कुछ नहीं है. दैट मींस बोथ बेबी आर इक्वल एंड सी, करेक्ट, एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक इवेंचुअली एवरी पेरेंट वांट्स अ हेल्दी चाइल्ड, और अगर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे आप एक हेल्दी एम्ब्रियो को चूज करें, देन आई थिंक IVF इज योर बेस्ट बेट, है ना. हाँ, बिकॉज सी यदि आपके पास चॉइस है कि आप यू नो गुड फोन खरीद सकते हो, तो क्या आप कुछ बैड लोगे? नहीं. यदि आपके पास चॉइस है तो सी एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन दैट पर्सन ऑल्सो. आप क्या, कुछ लोग इसका बेनिफिट लेते हैं, इवन अवर सेलिब्रिटीज भी उनका बेनिफिट्स लेते हैं, इवन कैलकुलेटेड भी होता है. जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट को देखती हूँ कि यू नो करियर में गैप ले लेते हैं, राइट, ओके, कि उनको लगता है कि नहीं बेबी नहीं हो रहा है तो ऑफिस के स्ट्रेस के वजह से होगा, घर के स्ट्रेस के वजह से होगा, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, और फिर
नहीं होता, फिर जैसे आप ब्रेक लेते हो आपका स्ट्रेस बढ़ता है और प्रॉब्लम आ जाते हैं, 2-4 साल जाने के बाद फिर आपको लगता है नहीं दैट डिसीजन हमने ये पहले लेना चाहिए था, बट आपके लाइफ के आपके करियर के 4-5 साल तो ऐसे चले गए, राइट. सो यदि कोई ऐसे भी होता है कि करियर ओरिएंटेड है, ये मैं यू नो करियर ओरिएंटेड फीमेल इवन वर्किंग फीमेल के लिए स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, लाइक मी लाइक यू, कि यदि आपको लगता है कि हमने एम्ब्रियोज बना के रखे, एक फ्रीजिंग करके रखे और नाउ आई वांट कि ये टाइम पे मुझे बेबी चाहिए, मेरी कैलकुलेशन एकदम सही है अभी कि मैं ये सब अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है. हमेशा लोग क्या करते हैं, इवन सेकंड प्रेगनेंसी की बात हुई है इसलिए सेकंड प्रेगनेंसी कभी कभार लोग रैंडमली प्लान करते हैं, नहीं करनी है. फर्स्ट थिंग फीमेल ने अपनी हेल्थ को देखना है कि क्या आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी का जो वेट गेन किया है वो आपने कम किया है, दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग आपने आपका जो फर्स्ट बेबी है उसका भी तो कैलकुलेशन करना है कि क्या उसके लिए आपके घर में सपोर्ट सिस्टम है, क्या दैट बेबी इज रेडी फॉर सेकंड बेबी, उसको समझ रहा है चीजें, क्या वो कुछ चीजें तो भी इंडिपेंडेंटली कर रहा है, राइट, दैट इज सेकंड थिंग. थर्ड इज योर वेल्थ, कि आपके पास क्या इनफ, यदि आप पैसा है कि आपने मुझे सेकंड बेबी आने के बाद कोई आपके फर्स्ट बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगा या आपके घर के इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड फोर्थ इज योर सपोर्ट सिस्टम, करेक्ट, आपके हस्बैंड उस टाइम पे आपको कितने सपोर्टिव रहने वाले हैं, आपके फैमिली की आपको हेल्प मिलने वाली है, तो हर चीज आप प्लान कर सकते हो. यदि आप कैलकुलेटेड वे में कर सकते हो कि मुझे लगता है कि दिस इज गुड टाइम फॉर मी, कि मेरा बेबी 3 साल की है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे पास सब कुछ सपोर्ट सिस्टम भी है, तो आपको यदि वो चॉइस मिलती है तो व्हाई will not take this, right? अभी कभी कभार होता है कि you know लोगों को late भी शादियाँ करनी है, okay? आजकल करनी है because not necessary कि you know शादी ही करना सब कुछ है या baby भी ही आना सब कुछ है, किसी को नहीं चाहिए, that is also perfectly fine. यदि कोई ऐसी female है कि जिसको लगता है कि मैम I'm 30 years old, okay? अब तक मैंने कोई नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा है कि मुझे शादी करनी है या मुझे baby चाहिए, बट वॉट मैम मैं नेक्स्ट यदि मुझे 5 साल के बाद लगा 10 साल के बाद लगा तो क्या उस टाइम पे कैसे होगा, जैसे आपके हर सेलिब्रिटीज आप अपने एक फ्रीज कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हो. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इज दैट फैसिलिटी अवेलेबल एट फर्टिलिटी? यस, बिल्कुल, हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है. क्या बात, आपके एग्स 10 साल के 20 साल हमारे पास सेफ रहेंगे. सुपर्ब, दैट्स अमेजिंग. लोगों ने कैलकुलेटेड भी तो ले सकते हैं कि आपने एक फ्रीज किया. अभी कभी कभार मुझे ये भी पेशेंट पूछते हैं कि मैम यदि हमने एक फ्रीज कर दिया है तो क्या हम नेचुरली नहीं ट्राई करें, ऐसे थोड़ी है कि आपने इंश्योरेंस लिया है तो एक्सीडेंट करो. करेक्ट. सो एक नॉर्मल इसमें यदि आपने एक फ्रीज किया और आपकी शादी हो गई, ओके, तो ट्राई करो ना नेचुरली 1-2 साल तक, बट यदि नेचर आपको नहीं देता है तो बैक ऑफ माइंड में है ना हमारे पास मेडिकल साइंस का बेस्ट चीज अवेलेबल है, या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप 34-35 में और आप कंसीव भी हो गए और सेकंड बेबी चाहिए आपको 40s में. करेक्ट. तो आपको नहीं लगता ये एक फ्रीजिंग के जो एग्स है वो आपके सेकंड बेबी के लिए भी तो यूज हो सकते हैं? तो हर किसी ने अपने अपने कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग लेना है. एज अ एक्सपर्ट मैं सिर्फ उतना बता सकती हूँ, नेचुरली रहो, फॉलिकुलर स्टडी से रहो, IUI से रहो या IVF से रहो, बेबी बेबी होते हैं, बिल्कुल सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें. सो कूल. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक फेमकेयर फर्टिलिटी के एग फ्रीजिंग के बारे में एक और एपिसोड हो सकता है, बट फॉर नाउ फेमकेयर फर्टिलिटी तो अब फीवर FM का हिस्सा बन चुका है. डॉक्टर पल्लवी इज नाउ ऑन फीवर FM's IVF स्पेशलिस्ट पैनल, तो कभी भी आपके कोई भी सवाल हो कॉमेंट्स में जरूर लिख लीजिएगा, एंड आई विल मेक श्योर कि डॉक्टर पल्लवी टिपले द डायरेक्टर ऑफ फेमकेयर फर्टिलिटी आंसर्स दिस फॉर यू. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू सो मच. बढ़िया मजा आ गया है. और अब आप बोलिए मुझे कि अगर 35+ के फ्रेंड्स में लेके आऊँ इधर तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा उनका? उनकी AMH ब्लड टेस्ट, जिससे हमें पता चलेगा एक का काउंट कितना है और हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस, एंड एक नॉर्मल सोनोग्राफी जो हमें पता चलेगा कि यूट्रस एंड एक का काउंट कैसे है. चलिए जी, ये सब रिपोर्ट्स अगर आपको तैयार करनी है तो ये भी करने के लिए आ जाइए फेमकेयर फर्टिलिटी. थैंक यू सो मच. सुनते रहिए फीवर 94.3. मैं हूं RJ मीना.